नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो हम शुरू कर रहे हैं वो एक ऐसे न्यू फार्मर के ऊपर है जो पंजाब में से पहली बार परचेज कर रहे हैं, बट उनको टोटल 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है डेयरी फार्मिंग में। और जो काउज हम पीछे दिखा रहे हैं आपको, वो सारी काउज उन्होंने परचेज की हुई हैं। तो आइए उनसे बातचीत करके पता करते हैं कि क्या उनका रेट रहा, कैसा उनको डिमांड था और कैसी काउज उन्होंने परचेज करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना फार्मर्स को इंट्रोडक्शन दे दीजिए और थोड़ा ये चीज के बारे में बता दीजिए कि आपको जैसे फर्स्ट टाइम आए हो तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। मेरा नाम विनायक गुड्स है, मैं ग्रीनबेल फार्म हैदराबाद से आया हूँ और गायों के लिए बहुत जगह से गाय लिया हूँ मैंने। और चोपड़ा जी को यूट्यूब पे फॉलो करता था, देखते थे कि इनके जगह पे से बहुत अच्छे अच्छे गाय निकलते थे और वो भी अच्छे ब्रीड वाले। आप देख भी सकते ये जो गाय दिलाए इन्होंने, ये मेरे लिए अच्छे वाले गाय दिलाए। और बाकी जगह पे सब क्रास ही मिलते थे मुझे, और वो भी जो बोलते थे कि 25-40 उसी सबसे नहीं मिलते थे, मतलब जो लाए थे आने के बाद उतना दूध नहीं देते थे। तो यहाँ पर आया मैं पहली बार, इनसे खरीदा भी गया है। आपने मेनली कितने लीटर से कितने लीटर तक गायें आपको यहाँ मतलब देखी भी, जो नई भी परचेज करनी थी? आपके मन में एक डाउट होता है हर बंदे के मन में जो परचेज करने वाले हमारे फार्मर्स आते हैं कि पंजाब में क्या 50 लीटर वाली गायें भी है, 55 लीटर वाली भी है, तो आपने यहाँ के क्या ऑब्जर्व किया? मैंने बहुत सारे गाय देखा है। हाँ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि आपको चीज वो दिखनी चाहिए जो आपने परचेज करनी है। आपको क्या उससे ऊपर लेवल का भी मिला? हाँ मिला जी, मेरे क्योंकि से भी अपना जजमेंट, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, क्योंकि जो फार्मर्स वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ नहीं भी आए तो उनको कम से कम ये होना चाहिए कि आपने, ये नहीं है कि कोई चीज आपको दिखा दी आपने परचेज कर ली, आपने अपना सिलेक्शन दिया, अपना रिव्यू दिया। हाँ। और कम से कम 100 एनिमल्स में से आपने अपना लॉट रेडी किया, 7 एनिमल्स जो इनको चाहिए थे, तो इसके बारे में डिटेल दीजिए। जो कि मैंने जो गाय सिलेक्शन किया है, मुझे इन्होंने लेके गया 25 से 40, 50, 60 तक के जो भी गाय थे, जो मिल्किंग में भी दिखाया है, मिल्किंग निकाल के भी दिखाया गया है। और मैंने जो लिया है वो 40, 42, 45 के इस बीच वाले गाय लिया है मैंने। उसमें भी मैंने नाकुल में चेक किया, मतलब मेरे खुद के मेल से लेके ऊपर तक मैं हर चीज को देखता हूँ, क्योंकि मैंने हर जगह पे धोखा खाया हुआ था, तो इसलिए मैंने हर चीज का छोटे से पहले आपको हर चीज के बारे में, हमने पहले गाय का सौदा किया या आपको पहले टाइम दिया कि आप सब चीज चेक करो? हाँ। उसके बाद हमने कोई भी सौदा करना है तो उसके बारे में डिस्कस होता था। पहले मुझे गाय दिखाया गया और मेरे खुद के सोचने के लिए मुझे जो जो कमी देखनी थी, मुझे अच्छी बुरी हर चीज देखने के लिए मेरे को टाइम भी दिया गया, और प्रेशर नहीं था कुछ भी, ना जल्दबाजी थी। मैंने पूरा देखने के बाद मैंने बोलता हूँ कि मुझे चाहिए सर्जी करके बोलने के बावजूद बार्गिंग शुरू होना हो गई। और जो बजट हम डिसाइड करते थे, आप डिसाइड करते थे कि हमको इतने के बजट में लेना है, तो मतलब कोई काउज ऐसा हो जो आपने मांगा हो कि हमें चाहिए भाई 1 लाख में, और हमने आपको बोला हो कि नहीं भाई हम इतने में नहीं लेके दे सकते, तो हमने सामने वाले फार्मर को उतने तक लेके आए? हाँ, मैक्सिमम तो जितना होता था। हाँ, कोई भी डील होती है तो देखो 2-3 हजार ऊपर नीचे होता होना पड़ता है, बट आपने जैसे डे 1 में 2 एनिमल्स लिए तो इन्होंने ऑफर किया था 2,10,000 कि हमें पेयर में लेना है, बट 2,15 में हमने डन करके इनको दिया। हाँ जी। और उसमें भी आप थोड़ा डिटेल में बताइए कि आपको सिलेक्शन कैसा लगा काउस का? गाय के सिलेक्शन बहुत अच्छे थे, उसमें मैंने एक बड़ी गाय लिया है वो 40 to 45 liters की गाय है, और दूसरी है एक हीपर है 20-25 की बीच मिल्क टीथ वाली गाय है, वो भी फ्रेशर है, उसकी भी बच्ची हुई है, और दूसरी वाले का डिलीवरी सुबह हुआ है, और दोनों में भी दूध निकाला गया भी है। और अभी प्राइस में भी जो हम लोगों ने सोचा था उससे थोड़ा 5,000 बढ़ गया, मगर ठीक ही है। और मेन अपनी रिक्वायरमेंट थी कि यंग एनिमल्स हो, तो सेकंड थिंग थी कि ब्रीड हो, थर्ड चीज होती है कि ऑर्डर फिक्स हो। तो ये चीजें मैं व्यूअर्स को वीडियो के थ्रू अभी दिखाना चाहता हूँ जो काउज आएंगी, कि क्या हमने वो चीजों के ऊपर काम किया है। हाँ जी। तो आइए, तो जो फर्स्ट हमने काउ खरीदी थी, अभी आज इसकी काविंग हो गई है, तो इसकी व्यूअर्स पहली बात देखे हैं कि अडर क्वालिटी पे ऊपर, गाय की लेंथ के ऊपर देखिए कि पीछे आदमी की हाइट दिखाई नहीं दे रही, तो ये चीजें अभी काविंग होने के बाद कम से कम 60-70 kg बॉडी वेट कम होता है, तो ये देखिए। और बच्चा देने के बाद अभी इधर घुमा के ले जाओ पूरा उसमें साइड हो, तो ये देखिए ये पूरा लंबा है। अडर, अडर की वेल देख लीजिए, उधर दिखा दीजिए एक बार अडर, तो लंबा चला के दिखा दो एक बार, ध्यान से ध्यान से ध्यान से,
थोड़ा रस्सी से भागती क्योंकि खुले फार्म में से आई है। बैठ जाओ, बैठ के दिखा लो, कर लो विजिट करना। बांधो बांधो पीछे बांधो चले। इसके बाद जो इनका सिलेक्शन रहा है वो ये काउस का रहा है जी। तो ये काउस भी देखिए कितनी टॉप क्वालिटी की हैं, और इनको वैरायटी मिली है कि अच्छे कलर में, अच्छी सिलेक्शन में, अच्छी ब्रीड में इन्होंने फोकस किया है। ये गाय को पीछे ले जाओ उधर बच्चे के पास, दो नंबर वाली खोल लिया, ये वाली दोनों खोल ले, ये दोनों खोल के ले आओ। तो आपकी सिलेक्शन में आपको कौन सी सबसे ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव कौन सी काउस लगी? तो मेरे हिसाब से तो मेरे को ये दोनों, हाँ ये दोनों आपकी प्रेफरेंस में होनी चाहिए। ये दोनों ले आओ, दोनों काउस दिखाते हैं जी आपको चला के, दोनों चला दो। देखिए जी काउस का सिलेक्शन उनके कलर, ब्रीड और उनके अर्डर क्वालिटी के ऊपर किया गया है, क्योंकि जो अर्डर के टाइटनेस है वो आपके सामने है। हाइट देख लीजिए कितनी शानदार है, घुमा लो। ले जाओ अंदर, ले जाओ अंदर, ले जाओ। तो ये रही आज की सिलेक्शन, और जल्दी आपको और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। जो फार्मर्स ने परचेज करनी है अच्छी क्वालिटी की, आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी फार्मर्स का धन्यवाद।